इविडेंस ऑफ एवोल्यूशन पे हम लाइक बायोकेमिस्ट्री की इविडेंस को आज डिस्कस करेंगे। यू नो वेरी वेल बायोकेमिस्ट्री के हवाले से केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। बायोकेमिस्ट्री का मकसद यह है, फर्स्ट ईयर के अंदर आपने चैप्टर टू जिस तरह से आपने पढ़ा था, द लिविंग मैटर ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। द लिविंग मैटर ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं जो मीन्स इस टॉपिक में ये इंक्लूड नहीं है, पर आपको पता है कि प्रोटोप्लाज्म की अगर केमिकल नेचर देखी जाए, केमिकल नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म देखी जाए तो उसके अंदर 90% वाटर होता है। रिमेनिंग जो कंपोनेंट होते हैं, रिमेनिंग कंपोनेंट्स, ड्राई वेट ऑफ द सेल, उसको जब एनालिसिस की जाती है तो उसके अंदर जो 6 एलिमेंट्स होते हैं जो आगे जाके जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के कंपोनेंट्स बनाते हैं, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के हवाले से अगर उनको देखा जाए तो लिविंग थिंग्स जितने भी उनके अंदर, जैसे आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा जैसे आपको पता है फैट्स, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी उनके अंदर, ये सब लाइक केमिकल्स, ऐसे बायोकेमिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये सब ऐसे केमिकल्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन बींग तक ये मौजूद है। इसका मतलब है जो भी लिविंग थिंग्स हैं केमिकली उनकी जो बेसिक कंपोजिशन है तो सेम है, सिमिलर है फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन बींग। मोर ओवर अगर आप देखा जाए तो इंजाइम्स होते हैं जो लिविंग थिंग्स की मेटाबॉलिज्म में इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। काफी सारे इंजाइम ऐसे होते हैं जो मोस्टली जिस तरह से सेम ही होते हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, पर एंजाइम का रोल जो है सेम है। तो आखिरकार इस तरह से केमिकल एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो इन्होंने अंदाजा लगाया कि जो सेम टाइप के प्रोटीन केमिकल्स होते हैं तो इसका मतलब है कि इनकी ओरिजिन जो है कोई यकीनन सेम या सिमिलर होगी। एक ब्लड सीरम से जिस तरह से उन्होंने पता लगाया, थोड़ी सी क्लू अंदाजा, ब्लड सीरम, यू नो वेरी वेल कि अगर हम ब्लड की कंपोजिशन को देखते हैं, फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, उसके अंदर एक प्लाज्मा और दूसरे जैसे आपको पता है कि WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स होते हैं, ये ब्लड की कंपोजिशन होती है। तो अगर हम इस प्लाज्मा पोर्शन में से, फॉर एग्जाम्पल ये प्लाज्मा पोर्शन है, ब्लड का प्लाज्मा पोर्शन है, इसमें माइनस कर दें क्लाटिंग फिल्म, काला चेहरा, क्लास बंद थी हिकड़ो मिंट में मना ढेर कौन जाने वो भी व्हाट्सएप कॉल दे हम केर गाना जी हमें फोन यही है ये गाला के रहा है बस। हाँ यार गाला क्लास बंद थी ये इससे खबर जेठाना ना एक लोग पीछे ने अलग हो जेठान वेलकम भाई फॉर लिटिल बिट इंटरेक्शन। वापिस आ गए ब्लड के हम जो है कंपोजिशन को देख रहे थे, तो उसके अंदर एक प्लाज्मा होता है पार्ट और उसके अंदर WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स भी होते हैं, और प्लेटलेट्स भी होते, फर्स्ट ईयर का टॉपिक है आप स्टूडेंट्स को याद होगा। तो प्लाज्मा में से अगर जो आप क्लाटिंग फैक्टर को माइनस कर देंगे, क्लाटिंग फैक्टर्स और क्लाटिंग प्रोटीन्स जो है उनको माइनस कर देंगे तो उसे हम कहते हैं सीरम कहते हैं, इसको माइनस कर देंगे तो बाकी रिमेनिंग पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं ब्लड सीरम। तो इस ब्लड सीरम के अंदर और प्रोटीन्स होते हैं, पर क्लाटिंग मैकेनिज्म के वाले प्रोटीन है अब वो उनको माइनस करने से रिमेनिंग जो पार्ट होता है प्लाज्मा का, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लाज्मा होता है उसके, उसे हम कहते हैं सीरम कहते हैं।
सीरम का प्लूरल होता है सेरा, सीरम का जो प्लूरल होगा वो प्रोटीन है, वो देखेंगे किससे रिलेटेड है, ओल्ड वर्ल्ड एंड न्यू वर्ल्ड से, मैन एंड एप जो है इनका रिलेशनशिप जो ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड मंकी से ताल्लुक था वो बहुत ही क्लोज था। मैन एंड एप्स का जो ताल्लुक है ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड की मंकी से, ब्लड सीरम की प्रोटीन का जिस तरह से रिलेशनशिप चेक किया तो बहुत ही नजदीक था। इसका मतलब उन्होंने निकाला कि इन सबकी कॉमन एंसेस्टर हैं, इसी वजह से तो प्रोटीन की जो रिलेशनशिप है वो भी सेम है ना, सेम टाइप की अमाइनो एसिड की सीरीज और सीक्वेंस उन्होंने देखी। तो ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड मंकीज, और किसके साथ रिलेशनशिप है उन प्रोटीन का, मैन एंड एप्स के साथ। एप के अंदर जो जनरल टर्म है एप, जिसके अंदर चिंपेंजी गोरिल्ला आ जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एप्स कहते हैं। ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड, ये ओल्ड वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड से आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि जब पहले सबसे पहले प्लानिट अर्थ वन पीस ऑफ लेड थी, देन जो दो पीसेस हो गए, दो पीसेस हो गए देन फर्दर और भी टुकड़े हुए। तो जो खास तौर पे जो एशिया ये इस तरह की जो अफ्रीका और यूरोप वाली प्लेट्स है उनको जैसे ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है, अमेरिका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका वाली इस तरह से प्लेट थी उनके लिए न्यू वर्ल्ड इस्तेमाल किया जाता है, वहां पे रहने वाली मंकी और वहां पे रहने वाली मंकी इस तरह से है। ठीक है, कोई नई दुनिया नहीं है, कोई पुरानी दुनिया नहीं है, ये जियोलॉजिकल टर्म है, जियोलॉजिकल वहां पे रहने वाले मंकी जैसे ओल्ड वर्ल्ड। ओल्ड वर्ल्ड टर्म जो इस वजह से आया है, ओल्ड वर्ल्ड यूरोप एशिया एंड अफ्रीका की जो प्लेट्स है उसके लिए ओल्ड वर्ल्ड इस्तेमाल होता है, इसी तरह से जो न्यू वर्ल्ड है अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स है उसके लिए जो है न्यू वर्ल्ड इस्तेमाल लफ्ज इस्तेमाल होता है। इनकी मंकी इसके अंदर एक जस्ट हम कोई बड़ा फर्क हमें आगे ये काम की चीजें नहीं है कि इनके यहाँ जो टेल होता है वो प्री हेंसाइल टेल होता है। प्री हेंसाइल टेल का मतलब ये होता है अक्सर आपने देख के ब्रांचेस के अंदर टेल को इस तरह से फोल्ड करते हैं, तो ऐसा टेल जो है ये सिर्फ न्यू वर्ल्ड एक छोटा सा ही ट्रेल होता है जो जिसके अंदर प्री हिंसा नहीं होती है, बाकी आप दो लफ्ज अंदर कैट्स है डॉग्स है या बियर्स है, इनका किसके साथ रिलेशनशिप था, हर्बीवोर के साथ। हर्बीवोर कौन से, काउस गोट शीप एंड डियर। तो इसका मतलब है ये सारे जो हर्बीवोर और कार्निवोर ये आगे जाके इनके कॉमन एंसेस्टर थे, सेम एंसेस्टर थे, क्योंकि ब्लड प्रोटीन जो है उनकी जो है जब एनालिसिस की गई तो बहुत ही सिमिलरिटी नजर आई। इससे उन्होंने एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया कि ये एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, हो सकता है कि इनके जो है एंसेस्टर सेम हो सिमिलर हो तभी तो प्रोटीन इनके सेम है, वरना जो है प्रोटीन जो है डिफरेंट। जैसे एक चीज आपने सुनी होगी वेरी कॉमन कि एक तो हाइब्रिडाइजेशन जो कराते हैं ना, जैसे क्लोज रिलेटेड जो एनिमल होते हैं उनका हाइब्रिड करते हैं, जैसे हॉर्स एंड डंकी उससे म्यूल बनता है, बफेलो एंड जैसे काउ तो बीफेलो बनता है, तो वेरी क्लोज लायन एंड टाइगर। तो यकीनन उनके यहाँ जो प्रोटीन रिलेशनशिप ऐसा होता है तभी जो है उनका हाइब्रिड बनता है, वरना वेरी डिफरेंट जो अगर होते तो उनका हाइब्रिड भी ना बनता, ये कि आप इससे भी अंदाजा लगाएं। तो इसी तरह से जो है इन्होंने देखा कि भाई ये जो वेरी क्लोजली रिलेटेड हो सकता है कि इनके एंसेस्टर किसी जमाने में वो कॉमन हो सेम हो, तो ये बायोकेमिस्ट्री इस तरह से एविडेंस जो है प्रोवाइड करती है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं डोमेस्टिकेशन, जो हमने डार्विन की जी कोर ऑफ द थ्योरी है वो है नेचुरल सिलेक्शन है, कोर ऑफ द थ्योरी इज नेचुरल सिलेक्शन। उसका अपोजिट टर्म कौन सा लिया था इसने, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, और आर्टिफिशियल सिलेक्शन को डोमेस्टिकेशन भी कहते हैं। डोमेस्टिकेशन के लिए अनदर वर्ड है, अल्टरनेटिव टर्म है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जो ह्यूमन बीइंग अपनी चॉइस से मर्जी से सिलेक्शन से किस एनिमल को किसके साथ जैसे ब्रीड उसका क्रॉस ब्रीड कराना और उसमें से एक हाइब्रिड लेना, अगेन जब तक उसको डिजायर्ड ट्रेट नहीं मिलता है तो उनकी फर्दर और भी
हाइब्रिडाइजेशन कराते जाते हैं, तो नए टाइप के जो है एनिमल या प्लांट उनको मिलते रहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था डॉग्स का, जैसे डॉग्स जैसे आज जितने भी हम इतनी ब्रीड देख रहे हैं या नस्ल देख रहे हैं, इनकी कॉमन एंसेस्टर मौजूद है, हिस्ट्री भी मौजूद है। ये इंसान ने, इंसान की चॉइस मर्जी से कि भाई ऐसे ऐसे डॉग हमें जरूरी है, तो जाहिर है टाइम तो लगता है रिजल्ट्स लेने के लिए और प्रैक्टिस। तो ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन जैसे डोमेस्टिकेशन की करने से इतनी इंसान की जैसे एक मर्जी के साथ इतने डिफरेंट टाइप के एनिमल अगर बन सकते हैं, तो डार्विन ने यही अज्यूम किया था ना कि लाइफ तो हजारों सालों से इधर मौजूद है, नेचुरल सिलेक्शन की जो फोर्सेस है उसकी वजह से भी ऐसे ही हुआ होगा, जैसे ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर फ्यू हंड्रेड ईयर्स के अंदर इतनी डिफरेंट टाइप की जो स्पीशीज बनी है। तो डोमेस्टिकेशन के हवाले से डॉग्स एंड पिजन्स की काफी ब्रीड्स ले चुका है इंसान, और भी कई जिस तरह से प्लांट्स हैं उनके अंदर भी जैसे डोमेस्टिकेशन का जो अमल हुआ है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था, आज जिस तरह से हमें जो कार्ड या मकई जो नजर आ रही है, पहले ऐसे नहीं थी, ये भी आर्टिफिशियल सिलेक्शन का नतीजा है। एक वाइल्ड प्लांट था, उनमें से जो क्रॉस ब्रीडिंग कराते गए, क्रॉस ब्रीडिंग कराते गए, कई इंटरमीडिएट दरमियान में कैरेक्टर आए कि भाई हमें ऐसा प्लांट नहीं चाहिए, इस तरह का नहीं चाहिए, हमें जो है इस जैसा चाहिए। तो यकीनन उनकी फर्दर जो है क्रॉस ब्रीडिंग कराते गए, आज जिस तरह से हमें ये कार्ड जो मिल रही है, ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन का नतीजा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन का नतीजा। इसी तरह से हमने डॉग्स का भी एग्जाम्पल लिया था, ये हॉर्स एंड कई इस तरह से जो है लाइक ब्रीड्स ऐसे जो है ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन के नतीजे से है। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल जैसे डॉग्स का है, आज जिस तरह से ये ग्रे वुल्फ जैसे कोई डॉग है ऐसे नजर बजाहिर नजर नहीं आ रहे, आज हम इतने, ये तो थोड़े इससे भी ज्यादा डॉग्स के ब्रीड्स हैं, इससे भी ज्यादा डॉग्स के ब्रीड्स हैं, इससे भी ज्यादा। तो आप देखें ये ग्रे वुल्फ इनका कॉमन एंसेस्टर है, कोई भी ऐसा डॉग नहीं है जो बजाहिर जो इससे रिजेंबल करता हो, नजर आता हो। जैसे अगर डॉग और वुल्फ दोनों आए तो हम उनको कहेंगे ये तो सेपरेट स्पीशीज हैं, पर किसी जमाने में ये उनका जो है कॉमन एंसेस्टर था, उसमें से ही पूरी हिस्ट्री मौजूद है कि इंसान ने कब क्या किया था, कौन से डॉग का ब्रीड बनाया था, उससे आगे क्या बने, ये सब जो है उनके पास एक पूरी हिस्ट्री, जैसे इसकी पूरी स्टोरी हिस्ट्री, ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो इनके पास मौजूद है कि कौन सा डॉग किस ब्रीड से आया है। तो जस्ट एक फ्यू हंड्रेड ईयर्स के अंदर इतने टाइप के डॉग्स अगर बन सकते हैं, तो डार्विन ने भी यही अज्यूम किया, डार्विन ने भी यही अज्यूम किया। तो नेचुरल फोर्सेज की वजह से ये इस तरह से जो है डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स प्लांट्स बने। जैसे मस्टर्ड प्लांट होता है, उस मस्टर्ड प्लांट से जो है वाइल्ड प्लांट मस्टर्ड था, वाइल्ड प्लांट मस्टर्ड था, आज इस तरह से हम देखते हैं कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ब्रोकोली है, या इस तरह से कॉलीफ्लावर, ये सब इस वाइल्ड प्लांट मस्टर्ड से, कोल रबी है या खेल है, ये सब जो है इस वाइल्ड मस्टर्ड प्लांट से। इंसान की प्रैक्टिस जैसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन, किस प्लांट को किसके साथ क्रॉस ब्रीड कराना है, आज जितने भी ये इसकी भी पूरी हिस्ट्री मौजूद है। आज तो हम जैसे कैबेज और कॉलीफ्लावर को सेम नहीं समझ रहे, पर इसकी पूरी हिस्ट्री मौजूद है कि इंसान ने ये इस तरह से आर्टिफिशियल सिलेक्शन के जरिए इतनी नई वैरायटीज जैसे पैदा किए हैं। तो डार्विन ने भी यही अज्यूम किया था कि अगर एक ह्यूमन बींग की चॉइस की वजह से तो इतने डिफरेंट टाइप के प्लांट या एनिमल स्पीशीज बन सकते हैं, तो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हजारों सालों से जो लाइफ मौजूद थी उससे जो है कई ऐसी स्पीशीज जैसे बनी होंगी। तो डोमेस्टिकेशन कोई इतना टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट एक छोटी सी डेफिनेशन है, बायो केमिस्ट्री के हवाले से भी एक छोटी सी दो ही एग्जाम्पल याद करने हैं। मोस्ट जो एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन है उसके अंदर जो वेस्टिजियल आर्गन या वेस्टिजेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था कि वेस्टिजियल आर्गन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ह्यूमन बींग के हवाले से या अदर एनिमल्स के हवाले से, उनके आप एग्जाम्पल याद करेंगे, टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन होता है। अब नेक्स्ट आएंगे नेचुरल सिलेक्शन, उसकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस क्या होती है। नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट सो मच कंसर्न विद द सर्वाइवल और डेथ ऑफ इंडिविजुअल, कि कौन सा एनिमल किसी जगह पे सर्वाइव करे, मरता है उससे उनका या क्यों मरता है उसका, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन का मकसद है कि परपिट्यूएशन और एलिमिनेशन ऑफ द जीन्स। परपिट्यूएशन का मतलब होता है जिस तरह से रिटेन करना, उसको प्रिजर्व करना, प्रिजर्वेशन ऑफ जीन्स और एलिमिनेशन ऑफ जीन्स, प्रिजर्वेशन ऑफ द जीन्स और एलिमिनेशन ऑफ द जीन्स। जैसे आप स्टूडेंट्स को याद होगा नंबर 3 पॉइंट है जो डार्विनिज्म की, वेरिएशन एंड हेरिडिटी है,
वेरिएशंस तो आती हैं, फेवरेबल वेरिएशंस है वो रिटेन होती है, अनफेवरेबल वेरिएशन जो उस एनवायरनमेंट के हवाले से सुइटेबल नहीं है वो एलिमिनेट हो जाती है, फेवरेबल वेरिएशन है वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होती है या ट्रांसफर होती है। तो वही सेम बात है कि नेचुरल सिलेक्शन का ताल्लुक किसी भी एनिमल के मरने या उसका सर्वाइवल से उसका कोई जनरल ताल्लुक नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन का मकसद होता है कि जो वेरिएशंस होती हैं अगर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली फेवरेबल है तो वो रिटेन होनी चाहिए, सेव होनी चाहिए, प्रिजर्व होनी चाहिए, परपिटुएशन उनकी होनी चाहिए। अगर अनफेवरेबल टू द एनवायरनमेंट है तो उसको वहां से जीन्स को, ऐसे जीन्स को एलिमिनेट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स को याद होगा कि एक बीटल का हमने एग्जांपल लिया था, एक बीटल जिस तरह से सबसे पहले वेरिएशन आई थी, वेरिएशन ये आई थी कि ग्रीन बीटल्स थी वो एक्सपोज हो रही थी ट्रीज के दरमियान तो उसको जो एक बर्ड आता था खा के जाता, तो वेरिएशन क्या आई, ब्राउन कलर की वेरिएशन आई, ब्राउन कलर की वेरिएशन आई। अब ये वेरिएशन कौन सी रिटेन होगी, कौन सी एलिमिनेट होगी आगे नेक्स्ट जनरेशन में, आप बताएं। नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट कर रही है, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है ऐसे बर्ड्स प्रीडेटर वो खुद ब खुद आ जाएंगे, ग्रीन कलर की जो जितनी बीटल्स होंगे उनको चुन के खा जाएंगे, रिमेनिंग क्या बचेगा, रिमेनिंग जैसे ब्राउन कलर की बचेंगे, ब्राउन कलर की देन जो वेरिएशन है वो आगे क्या होगा, वो एलिमिनेट नहीं होगी, वो क्या होगी, वो प्रिजर्व हो गई, वो परपिचुएशन हो गई, उनके जीन्स प्रिजर्व हो गए और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो आगे जाके इनहेरिट हो रहे हैं। तो इससे हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन का ताल्लुक आइदर प्रिजर्वेशन ऑफ द जीन्स होता है या एलिमिनेशन ऑफ द जीन्स होता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया और इसी, ये हमारे बुक का सेंटेंस नहीं है, जिस तरह से नेचुरल सिलेक्शन रिड्यूसेस जेनेटिक डाइवर वेरिएशन बाय एलिमिनेशन मेल अडॉप्टेड इंडिविजुअल्स, ऐसे इंडिविजुअल जो उस एनवायरनमेंट के हवाले से फिट नहीं है उनको एलिमिनेट करेगा। जैसे हमने उन बीटल का एग्जाम्पल, बीटल के अंदर जैसे ग्रीन कलर के जो जीन्स होंगे जो उस एनवायरनमेंट के हवाले से फिट नहीं थे वो एलिमिनेट हो जाएंगे, रिमेनिंग क्या बचेंगे, रिमेनिंग होने ब्राउन कलर की बचेंगे। तो अब देखिए नेचुरल सिलेक्शन ने क्या किया, जेनेटिक वेरिएशन को कम कर दिया, रिड्यूसेस द जेनेटिक वेरिएशन ओनली एंड ओनली। अब आगे कौन सी जनरेशन आगे इनहेरिट होगी, कौन सा ट्रेट इनहेरिट होगा, ओनली एंड ओनली वन टाइप का, दैट इज ब्राउन कलर। तो ये हम कहेंगे कि नेचुरल सिलेक्शन रिड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशन, कैसे, बाय एलिमिनेशन, जो अनफेवरेबल वेरिएशंस हैं जो एनिमल वहां पे सर्वाइव उस एनवायरमेंट में नहीं कर सकते उन सबको ये एलिमिनेट कर देगी। जैसे हमने एग्जाम्पल में भी जैसे पढ़ा था, एक और टर्म हम सीखेंगे डिफरेंशियल मोर्टिलिटी, डिफरेंशियल मोर्टिलिटी, डिफरेंशियल मोर्टिलिटी। मोर्टिलिटी का मतलब होता है डेथ रेट। जैसे आप देखें किसी भी एक एनवायरमेंट के अंदर, आप जैसे देखें पहले सब भी डिफरेंट टाइप के एक एनिमल रह रहे हैं, फिर अचानक आपको पता चलता है कि फिलहाल एनिमल है या फिलहाल प्लांट है उसका डेथ रेट ज्यादा है बाकी उसका नहीं है, तो आप ग्रीन और ब्राउन बीटल के अंदर आप देखें किसका डेथ रेट ज्यादा है, किसका रिप्रोडक्टिव रेट ज्यादा है, आपको पता चल रहा है या नहीं चल रहा है कि ग्रीन बीटल्स जो है उनका तादाद जो है डेथ रेट ज्यादा है और ब्राउन का डेथ रेट कम है। रीजन कोई भी हो, भले उसको बर्ड खा रहे हैं, पर इससे हम कहते हैं डिफरेंशियल मोर्टिलिटी, यानी जिसमें जिसमें ग्रीन बीटल्स का रेट ऑफ डेथ ज्यादा, ब्राउन बीटल की रेट ऑफ डेथ उसका कम होता है, तो उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल मोर्टिलिटी। तो इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज व्हेन एन एनिमल डाइज बिफोर रिप्रोड्यूसिंग, जैसे कौन सा एनिमल जो वहां उसके जो डेथ हो रही थी ज्यादा, कौन सा मर रहा था, ग्रीन बीटल, उसकी रिप्रोडक्शन से पहले नेचुरल सिलेक्शन की फोर्सेस की वजह से उस ग्रीन बीटल की जो एलिमिनेशन हो रही है, डेथ हो रही है, अनफेवरेबल जीन्स एलिमिनेट फ्रॉम द पॉपुलेशन। ऐसे नहीं है कोई गन्स लेके आ रहे हैं कि हाँ ग्रीन बीटल कहाँ है उसको खत्म करें, नेचुरल सिलेक्शन इस तरह से ऑपरेट कर दिया। उसके उधर जो है ऐसे प्रीडेटर वहां भी बैठे हैं जो नेचुरल उस एनवायरनमेंट के अंदर है और जिसका भी ग्रीन कलर है वो एक्सपोज, ग्रीन कलर का एक्सपोजर हो जाता है और एक्सपोजर होने के बाद उस वो खुद ब खुद वो जैसे खत्म हो रही है, तो जैसे उसको आगे रिप्रोडक्शन ही होने नहीं देते। इसका मतलब है कि डिफरेंशियल मोर्टिलिटी का मतलब ये हुआ कि एक ऐसे एनिमल होंगे उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में उनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ज्यादा होगा, दूसरे का रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कम। रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कम इसका मतलब है डेथ रेट उसमें जो ज्यादा होगा, क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। इट इज एन इम्पोर्टेंट एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, व्हेन एन इंडिविजुअल डाइज बिफोर रिप्रोडक्शन, जैसे ग्रीन बीटल का हमने एग्जाम्पल लिया, अनफेवरेबल जीन्स एलिमिनेट फ्रॉम द पॉपुलेशन, अब रिमेनिंग कौन से जीन बचे, ओनली एंड ओनली बचे जो ब्राउन कलर के जो वहां पे सर्वाइव कर सकते हैं।
तो इसी तरह से हमने ये पूरी जो है पॉइंट्स जो डार्विनिज्म के अंदर पढ़ी थी, फॉर एग्जांपल पहले वेरिएशंस होती है, वेरिएशंस हुई, ये कलर जैसे वो एक्सपोज होता है उसको जो है कोई बर्ड प्रीडेटर वगैरह खा सकता है, वेरिएशन हुई, वेरिएशन हुई तो देन आपने देखा कि जो ग्रीन कलर की जो बीटल्स हैं, ग्रीन कलर की जो बीटल्स हैं उनको रिपीटेडली ऐसे डेली बेसिस पे अगर जैसे बर्ड्स आए खाते जाएं तो रिजल्ट क्या होगी, इनकी तादाद जैसे कम हो जाएगी, अब बचेंगी कौन सी, जाहिर है ये बचेंगे, तो अब उनकी क्या होगी हेरिडिटी, ये नहीं, ये कैरेक्टर ब्राउन कलर की जीन्स का कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होता जाएगा, इनहेरिट होता जाएगा, फिर आगे जो पॉपुलेशन एंड रिजल्ट क्या होगी, एंड रिजल्ट ये होगी उस एनवायरमेंट के अंदर जो ब्राउन कलर की जो बीटल्स हैं वो मोस्ट सर्वाइव करेंगे और ग्रीन कलर की जो बीटल्स हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे, उनके जीन्स भी इस तरह से खत्म हो जाते हैं। इसे कहते हैं डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, वो था डिफरेंशियल मोर्टिलिटी यानी डेथ रेट उनमें एक स्पेसिफिक टाइप का जो ज्यादा था, और ये है डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, ये सब नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा नेक्स्ट हेडिंग भी आया भाई, एनी अदर प्रोसेस दैट इनकरेजेस द ट्रांसमिशन ऑफ फेवरेबल जीन्स एंड ब्लॉक्स ट्रांसमिशन ऑफ अनफेवरेबल जीन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स एवोल्यूशनरी प्रोग्रेस। तो इसके अंदर आपने क्या सीखा था कि जैसे ग्रीन कलर जो बीटल का है उसको नेचुरल सिलेक्शन कोई भी फेवर नहीं दे रही है, फेवर किसको आ रहा है, फेवर ब्राउन कलर के बीटल को, तो इसी तरह से ब्राउन कलर की जो बीटल है वो उसकी जो पॉपुलेशन भी उस एरिया में ज्यादा होगी, उसके जीन भी नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होंगे, और वही जो स्पीशीज जो देन आगे जो एक सबसे पहले वेरिएशन हुई थी अब वो ज्यादा उस एनवायरनमेंट के अंदर जो है उसकी तादाद भी बढ़ेगी। अच्छा नेक्स्ट हेडिंग भी आप आए, थोड़े टुकड़े टुकड़े हैं आपको समझाने के लिए हर एक पॉइंट को अलग अलग, नेचुरल सिलेक्शन के एन विद एन अनफेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक एन वे एनी वे प्रिवेंटेड फ्रॉम ब्रीडिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने नोट किया था कि एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली अगर किसी भी एनिमल ऑर्गेनिज्म के जिस तरह से जो जीन्स नहीं है तो वो एलिमिनेट होते हैं, एलिमिनेट कैसे होते हैं उसमें वन ऑफ द रीजन ये होता है एलिमिनेट होने का, जैसे चाहे जितना भी एनिमल स्ट्रांग क्यों ना हो बड़ा क्यों ना हो पर वो जो वेरिएशंस आई थी उनको नेक्स्ट जनरेशन में अगर इनहेरिट नहीं कर सकता है तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर नहीं जाएगा। तो इसमें अल्टीमेटली आप देखें कि अगर कोई एक एनिमल है नेचुरली इनफर्टाइल है यानी उसमें रिप्रोडक्शन की सलाहियत नहीं है तो वो कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं कर सकता, नंबर वन। नंबर टू, अगर उसको जो है कोई मेट ना मिले, मेट का मतलब है सेक्सुअल पार्टनर ना मिले, तो यानी वो एनिमल उसके पास जितने भी जीन थे वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं होते हैं। जिस तरह से हम लोकली एक कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, एक ऐसे कपल जिसकी जैसे अगर बच्चे पैदा ना हो नेक्स्ट जनरेशन ना हो तो आगे जिस तरह से उसके ट्रेट या कैरेक्टर होंगे वो इनहेरिट नहीं होंगे, बिल्कुल इसी तरह से अगर जिस तरह से कोई एक एनिमल है नेचुरली जिस तरह से वो इनफर्टाइल है रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है पर एक दूसरा एनिमल फर्टाइल भी पर उसको मेट नहीं मिलता है, सेक्सुअल पार्टनर नहीं मिलता है, तो देन नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कैरेक्टर इनहेरिट नहीं होंगे। तो कोई भी रीजन हो पर क्या हुआ कि उस एनिमल के जीन नेक्स्ट जनरेशन के अंदर इनहेरिट नहीं हुए तो हम कहेंगे कि उस एनिमल का जेनेटिक डेथ हो गया, क्योंकि उसके अंदर जितने जीन थे अपने हद तक महदूद थे, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो इनहेरिट नहीं हुए, देन द जीन्स ऑफ दिस इंडिविजुअल विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम ट्रांसमिटिंग टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये इसमें कौन सा अमल हुआ, एलिमिनेशन ऑफ द जीन्स हो गया, और इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द जेनेटिक डेथ कहते हैं, बिकॉज उस पर्टिकुलर एनिमल यकीनन उसके कोई ना कोई स्पेसिफिक टाइप के कैरेक्टर होंगे, ट्रेट होंगे, उनके जीन्स होंगे, वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं हुए, दिस इज कॉल्ड द जेनेटिक डेथ, इसे हम कहते हैं जेनेटिक डेथ, क्योंकि वो एनिमल रिप्रोड्यूस ही नहीं हुआ, वो एनिमल अपने जो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कैरेक्टर इनहेरिट ही नहीं कर सका तो जाहिर है आगे जो है उसका कोई नस्ल ही आगे नहीं बढ़, वेरी सिंपल सी बात है, आप समझ रहे हैं कि लाइक इसे हम कहते हैं जेनेटिक डेथ कहते हैं, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक डेथ। अगर कोई एनिमल रिप्रोड्यूस नहीं होता उसके अंदर जितने भी उसके जीन्स होंगे वो उसी हद तक महदूद होंगे और देन जो उसका डेथ हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग पे आए, नेक्स्ट हेडिंग कि नेचुरल सिलेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ, जैसे हमने पढ़ा है डार्विन ने बताया था कि नेचुरल सिलेक्शन एवोल्यूशन का सबब है, एवोल्यूशन का मतलब है चेंज, पर नेचुरल सिलेक्शन का ये भी एक रोल होता है कि इट मेंटेन्स अ स्पीशीज कांस्टेंट, यानी कोई चेंज ना आए स्पीशीज में, कोई भी चेंज ना आए जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी दो रोल है बोथ नेचुरल सिलेक्शन का, एक ये भी रोल है कि स्पीशीज के अंदर कोई चेंज भी ना आए और चेंजिंग देम यानी एवोल्यूशन का भी सबब हो सकता है। ये आगे जब
फर्दर जब एक्सप्लोर किया गया, दूसरे साइंटिस्ट ने देखा कि नेचुरल सिलेक्शन का जैसे दो रोल है, एक स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन कांस्टेंट रह रही है उसमें भी नेचुरल सिलेक्शन का रोल है, और एवोल्यूशनरी जो चेंज आती है उसमें भी जैसे नेचुरल सिलेक्शन का ही रोल है। कैसे कांस्टेंसी ऑफ स्पीशीज होती है, जैसे एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, कांस्टेंसी ऑफ स्पीशीज, जैसे एक पाइन ट्री के हवाले से एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर पाइन ट्री के जो जैसे बहुत ही ज्यादा टाल हो जाए, बहुत ही बड़ा कद हो जाए, टाल हो जाए, एक पाइन ट्री ऐसा जैसे अगर अज्यूम करें उस पाइन ट्री का कद बहुत ही छोटा हो जाए तो स्मॉल हाइट होगी, स्मॉल हाइट होगी तब भी ये इसका जो सर्वाइवल मुश्किल होगा, अगर जैसे बहुत ही बड़ा कद इस प्लांट का होगा तो भी इसका सर्वाइवल मुश्किल होगा। कैसे, तेज विंड्स हवाएं लगेंगी और ये मर जाएगा। कैसे, स्मॉल प्लांट जो है इसमें ये सर्वाइव नहीं करेगा, बिकॉज इसको जो है ज्यादा सनलाइट जो है नहीं मिलेगी तो इसमें भी इसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। अब इस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली कौन सी लाइक ट्रीज का सर्वाइवल होगा, नेचर सिलेक्ट्स दोस दो मोस्ट फिट होंगे, वो कौन से होंगे, मीडियम साइज के जो इंटरमीडिएट होंगे वही जो है इसमें सर्वाइव करेंगे। अब नेचुरल सिलेक्शन का क्या रोल है कि किसको फेवर करे, नेचुरल सिलेक्शन का रोल क्या होना चाहिए, टाल प्लांट को फेवर करे, स्मॉल प्लांट को फेवर करे, या इसे इंटरमीडिएट साइज वाले प्लांट को फेवर करे कि आगे इसकी रेस नस्ल आगे कंटिन्यू रहे। इंटरमीडिएट तो इसमें कोई चेंज ना आए, अगर चेंज आएगी तो क्या होगा, चेंज अगर जिस तरह से बड़े कद का जैसे प्लांट बन जाए तभी मर जाएगा, अगर छोटे कद का होगा तो तभी मर जाएगा। अब नेचुरल सिलेक्शन का रोल ये हुआ कि ऐसी स्पीशीज को मुसलसल सेम जिस तरह से वो स्पीशीज को जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन करती रहे, तो इसे हम कहेंगे कांस्टेंसी ऑफ स्पीशीज, कांस्टेंसी ऑफ स्पीशीज कांस्टेंट रहते हैं, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, बिकॉज इसके अंदर नेचुरल सिलेक्शन का रोल है। तो नेचुरल सिलेक्शन इज द डिस्ट्रक्टिव अगेंस्ट दोस दैट इंडिविजुअल्स दैट डेविएट, डेविएट की मीनिंग है डिफर वाइडली फ्रॉम द मीन, मीन का मतलब क्या हुआ, मीन का मतलब है ये इंटरमीडिएट, उससे अगर डिफर करे, डिफर का मतलब या बहुत बड़े या बहुत ही छोटे, तब जो नेचुरल सिलेक्शन का रोल होगा डिस्ट्रक्टिव होगा, उस कंडीशन में वो प्लांट हो या एनिमल सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। मीन से नजदीक हो, वेरी क्लोज टू मीन, मॉडरेट इंटरमीडिएट होगा तो ही वो सर्वाइव करेगा, अगर बहुत ही बड़ा कद होगा या बहुत ही छोटा कद होगा तो दोनों कंडीशन में नेचुरल सिलेक्शन कभी भी फेवर नहीं करेगी। सो इन इज इन द फेवर ऑफ दोज अलाइन मोस्ट क्लोजली टू इट, क्लोजली टू इट का मतलब है जो मॉडरेट होंगे उनको फेवर, अगर इस मॉडरेशन से जैसे कोई भी जिस तरह से डेविएट होगा या डिफर करेगा तो दोनों कंडीशन में नेचुरल सिलेक्शन का जो रोल होगा वो डिस्ट्रक्टिव होगा, उस प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन कौन सी स्पीशीज आती रहेंगी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन मीडियम साइज की मॉडरेट साइज की वही, तो अब नेचुरल सिलेक्शन उसको फेवर करेगी और इसे हम कहेंगे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, दिस काइंड ऑफ सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन की ये जो रोल है उसे हम कहेंगे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबल किसे कहते हैं, स्टेबल कहते हैं कांस्टेंट, चेंज ना आए, तो इसे कहते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन बिकॉज इट मेंटेन्स द कांस्टेंसी ऑफ स्पीशीज ओवर जनरेशन, जैसे वही सेम जनरेशन आफ्टर जनरेशन इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ रहे हैं तो इसका मतलब है नेचुरल सिलेक्शन उनको इन स्पीशीज को कांस्टेंट रख रही है। अगर उसके अंदर कोई चेंज आती है, डेविएट होता है, डिफर होता है तो दोनों कंडीशन में क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होगी। एक और एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट यहाँ पे जैसे फिजिकल क्लास के अंदर बैठे हैं अगर वो बताएं कि ऐसा कोई और एग्जाम्पल हो सकता है कि नेचुरल सिलेक्शन किस तरह से कांस्टेंसी ऑफ स्पीशीज को मेंटेन करती है। जी हथ मत मुगावस्था किसकी, अक्सर आपने बर्ड्स देखे होंगे, जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ आप होपफुली समझ जाएंगे। इन बर्ड्स की जिस तरह से एग्स की जो तादाद होती है तकरीबन 4 या 5 होती है, क्या बर्ड्स के अंदर जो है एग्स की तादाद 15-20 नहीं हो सकती है कि एक वन टाइम पे, या एक बर्ड की तादाद जैसे एक हो जस्ट वन एग हो, फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बताएं, अगर वन एग ले करता है फॉर एग्जाम्पल, तो हो सकता है कि उस एग को कोई ब्रेक कर दे, आप जैसे मुझे जैसे कोई लेके चोरी करके चले जाए तो उसकी तो जनरेशन ही पूरी उसी एग के अंदर मौजूद थी, तो क्या होगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा ना, या कोई दूसरा प्रीडेटर होगा वो खा जाएगा या गिर जाएगा किसी रीजन, ए बी सी रीजन की वजह से।
अगर बहुत ज्यादा इगली करें तो, फॉर एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इगली करें तो आगे उनको जो है जब यंग वन बचेंगे बनेंगे तो उनको न्यूट्रिशन वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, फिर भी उस कंडीशन में क्या होगा, वो भूखे मर जाएंगे, तो भूखे मर जाएंगे। तो नेचर ने क्या सिलेक्ट किया, नेचर ने ये सिलेक्ट किया कि इन एग्स की जो है तादाद जो है ना मॉडरेट होनी चाहिए, ना कम होनी चाहिए ना ज्यादा होनी चाहिए। इसे कहते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। इस फिनोमेना को हम कहेंगे स्टेबलाइज सिलेक्शन। और फिर वो बर्ड्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन बस कितने एग प्रोड्यूस करते रहेंगे, बस 4-5 एग, ज्यादा नहीं करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। ज्यादा जिस तरह से मुर्गियां करती हैं, आपको पता है वो घरों के अंदर रखी जाती है, डोमेस्टिक होती है, इंसान खुद उनको जैसे केयर भी करता है, उनको फूड देता है, वो तो अलग बात है। अदरवाइज जिस तरह से नेचुरल सेटअप के अंदर आपने देखा होगा, बर्ड्स की जो तादाद होती है वो एग्स की तादाद होती है वो बहुत ही थोड़ी होती है, ना कम होती है, वन होती है ना ज्यादा होती है। तो ये एक कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीशीज है, कैरेक्टर है, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये सेम ट्रेड चल रहा है। तो होपफुली आपने सीखा होगा कि स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन क्या है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन क्या है, इस तरह से स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन जो है वर्क करती है। थोड़ी सी एक और पॉइंट पे हम आते हैं, नेचुरल सिलेक्शन जेनेटिक्स इसका जो रोल है, आगे जिस तरह से एक पॉइंट पढ़ेंगे, पर एक टर्म हम सीखते हैं, एक टर्म सीखेंगे जो दो तीन जगहों पे ये टर्म से मौजूद है। एक लफ्ज सीखेंगे डैम और दूसरा जीन पूल, एक लफ्ज सीखेंगे डैम और दूसरा टर्म हम सीखेंगे जीन पूल। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर ये अगेन सेम टर्म भी इस्तेमाल होगा, एक है डैम लफ्ज और दूसरा जीन पूल। जेम का मतलब होता है जेनेटिकली आइसोलेटेड यूनिट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज जेम, और इसके अंदर जितने भी जीन्स होते हैं किसी ऑल द डिफरेंट जीन्स उनके अलील्स उसे हम कहते हैं जीन पूल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग है, उसके अंदर जैसे स्किन कलर का एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल है, इसके अंदर ग्रीन कलर के भी जीन्स हैं, इसके अंदर जैसे रेड कलर के भी जीन्स हैं, इस तरह से पर्पल कलर के भी जीन्स हैं। ऑल द डिफरेंट जीन्स इन अ पॉपुलेशन उसे हम कहेंगे ये जीन पूल, और जेनेटिकली आइसोलेटेड यूनिट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज डैम कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक यूरोपियन शहर है, फॉर एग्जाम्पल एक यूरोपियन कंट्री का एक शहर है जहाँ पे दो किस्म के लोग रह रहे हैं, एक जिस तरह से यूरोपियन रह रहे हैं और दूसरे उसके अंदर थोड़ी सी पॉपुलेशन अफ्रीकन लोगों की है। तो अफ्रीकन लोगों की है तो जाहिर है उसकी स्किन का कलर आपको पता है डार्क होता है, उनकी हेयर्स जो है उनकी शेप भी आपको पता चल सकती है कि भाई इनकी हेयर्स की जो है इस तरह की शेप है। तो ऐसी जेनेटिकली आइसोलेटेड यूनिट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज अ जीन, और इसके अंदर जितने भी जीन्स होंगे जैसे अफ्रीकन पीपल की स्किन के जीन्स, अफ्रीकन पीपल की हेयर की शेप के जीन्स, वो उस कलेक्टिवली जीन को हम कहेंगे जीन पूल कहेंगे। इसी तरह से यूरोपियन लोग हैं उसी इलाके के अंदर रह रहे हैं तो उनके अंदर जिस तरह से हेयर जो आपको पता है ब्राउन होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, स्किन फेयर होती है, तो उसकी जितने भी इस तरह के जितने भी इसकी जो लाइक जो जीन्स होते हैं डिफरेंट अलील्स होते हैं उसे हम कहते हैं जीन पूल कहते हैं। जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन आइसोलेटेड पॉपुलेशन जैसे होती है उसे आइसोलेटेड पॉपुलेशन यूनिट जो होगा उसे हम कहेंगे डीएम कहेंगे, और उसके अंदर टोटल जो डिफरेंट जीन्स अलील होंगे उसे हम कहेंगे जीन पूल कहेंगे। एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इंपॉर्टेंट होता है जीन पूल और पॉपुलेशन जेनेटिक्स को समझना, कि बिकॉज अगर जिस तरह से आप देखें, हम छोटा सा एग्जाम्पल, मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया होपफुली आप इससे सीख जाएंगे, अगर ये अफ्रीकन पीपल है ये इनके इंटर मैरिजेस अपनी फैमिलीज उन लोगों के दरमियान होती है तो वही सेम ट्रेड अपनी नेक्स्ट उसी जनरेशन में होता है, और ये लोग अगर अपनी इंटर मैरिजेस करते हैं तो वो सेम अपना ट्रेड नेक्स्ट जनरेशन में आ रहा होता है। तो यानी जीन पूल जो सेपरेट रहता है, जीन पूल शेयर नहीं होता है, जीन पूल मिक्स नहीं होता है। जीन पूल जब इनके अंदर जैसे मिक्सिंग होगी, शेयरिंग होगी, तो रिजल्ट क्या होगी, शेयरिंग और तो एक न्यू ट्रेट या कैरेक्टर आ सकते हैं। जब तक वो आइसोलेटेड यूनिट ऑफ पॉपुलेशन है, सेपरेट है, अलग है, जीन पूल शेयर नहीं होता है, कोई भी न्यू ट्रेट कैरेक्टर नहीं आ सकता है। इस वजह से पॉपुलेशन जेनेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो हम कल का क्लास होगा उसमें अगेन दोबारा डिटेल में ये डिस्कस करेंगे। पर ये जो लाइक जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन की एक नेक्स्ट हेडिंग है ना, वो क्योंकि हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं इसको, आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल। तो कोई नई बात नहीं है, एक जस्ट टर्म है आर्टिफिशियल सिलेक्शन का, कि डॉग्स कहाँ से डिसेंड हुए, इनकी जिस तरह से डॉग्स, वही सेम बात है कि डार्विन जो है वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन से वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायर था,
उसने देखा कि अगर जो है एनिमल ब्रीडिंग या प्लांट ब्रीडिंग की वजह से इतने ज्यादा डिफरेंट टाइप की स्पीशीज बन सकती हैं, तो वही सेम बात कि नेचर के अंदर तो ऐसे हजारों सालों से लाइफ मौजूद थी, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ऐसी जो है नई स्पीशीज में भी बनी है। जब तक वो इंसान को वो डिजायर्ड ट्रेट नहीं मिलता है, तब तक जो है उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करते रहते हैं, जब तक उनको कोई डिजायर्ड ट्रेट ना मिले। जैसे शायद मैंने आपको पहले ही बताया था कि आम, अगर हमारे जहन में आम मैंगो जब आता है, लफ्जों के बहुत ज्यादा मीठे होते हैं, तो आजकल जिस तरह से क्रॉस ब्रीडिंग हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ऐसे मैंगो आ गए हैं जिनके अंदर जो शुगर कंटेंट निल के बराबर होते हैं, तो आम भी खा रहे हैं वो मीठे भी नहीं है, ग्लूकोज कंटेंट उसके अंदर नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ इसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन कर करके। अब जैसे देखिए, ये तो एंसेस्टर थे, अब आप ये एक एनिमल डॉग है ऐसा देखें और उन दोनों को देखें, आप कभी इनको कहेंगे कि ये एक जैसे सेम है, सिमिलर है? इनसे वेरी डिफरेंट हो गए। ये किस वजह से हुए? बिकॉज ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग, इनकी वजह से आर्टिफिशियल सिलेक्शन की वजह से इतनी डिफरेंट टाइप की स्पीशीज बनी है। तो सेपरेट स्पीशीज, जैसे आज हम इनको देखते हैं ना डॉग्स को, तो हम कहते हैं कि ये वेरी सेपरेट स्पीशीज है, वरना किसी दौर में क्या था, किसी दौर में जो है यकीनन जो आपने पॉइंट नोट करनी है, ये याद करना है टेस्ट के हवाले से, यही लाइन है, डॉग्स डिसेंडेड फ्रॉम वुल्व्स, डॉग्स डिसेंडेड फ्रॉम वुल्व्स। जैसे आज भी अगर नेचर के अंदर वुल्फ और डॉग, तो उनकी जो ब्रीडिंग हो जाएगी, कोई इनके अंदर इतना कोई लाइक तस्वीर ठीक है।